कपड़े चेंज कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ, एक मिनट इंतजार करें, आई विल बी देयर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमीर हमजा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम जा रहे हैं स्नोकर क्लब, और स्नोकर क्लब क्यों जा रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। सो हम अभी चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं क्या कुछ होता है। पीछे खड़े हैं हमजा लोग, फिर हम देख लेते हैं रूम कहाँ पे भाई, ताले चलते हैं इंशाल्लाह ताला। और बाय द वे वी आर लिविंग इन द हॉस्टल, अभी हम हॉस्टल से जा रहे हैं। ये रूम वगैरह की चीज़ देनी है हॉस्टल के ऑफिस में, क्योंकि दूसरे लड़के भी बाहर ही हुए, तो यहाँ पे कोई नहीं है अभी। थैंक यू, हियर वी गो, गुड बाय, हेलो। हम ये पहुंच गए हैं मीट, दिस इज हमजा, और ये है हमारे कारी साहब, ठीक है। मस्जिद को उठा के लाया, इनका दिल कर रहा था, हमें बिल्कुल नहीं पता स्नोकर किस तरह खेलते हैं, क्या कुछ होता है, हमजा को भी नहीं पता, तो हम इनके साथ जा रहे हैं इनकी गाइडलाइन में, तो आज देखते हैं क्या कुछ होता है। बच्चे देख के रोड क्रॉस करनी है, साइड पे देखो, उधर देखो। और बाकी बात की जाए तो ये हमने आज ग्लासेस नहीं बाई की हैं, और वैसे तो मैं ज़्यादातर ग्लासेस नहीं पहनता, लेकिन ये वाली ग्लासेस बाई करने के पीछे भी एक कहानी है, और वो ये है कि ये ट्रांसपेरेंट ग्लासेस हैं, और अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो इनका फ़ायदा ये है कि ना, अगर आप डेली बेसिस के ऊपर लाइक मतलब लैपटॉप और फ़ोन वगैरह अगर यूज़ करते हैं तो फिर आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि इससे आपकी आई साइट वगैरह वीक नहीं होती। तो मैंने ये चीज़ देख के बाय की है, क्योंकि अभी मेरी आई साइट तो वीक नहीं है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन बेस्ट रहता है। अच्छा, ये हम पहुँच गए हैं, लेट मी चेक, आपको मैं दिखाता हूँ बिल्डिंग को। दिस इज़ द बिल्डिंग, ये ऊपर आई थिंक फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है ये जी, नाम है स्पोर्ट्स हब स्नोकर, फर्स्ट फ्लोर, यू कैन चेक। कौन से फ्लोर पे जाना है? थर्ड फ्लोर, या वी आर इन। ये जी हम पहुंच गए। चेक कर सकते हैं यहाँ पे टेबल्स वगैरह लगे हुए हैं, दिस इज फर्स्ट टेबल, और वो दूसरा टेबल लगा हुआ है, इस तीन चार और ये पांच, यहाँ पे पांच टेबल्स वगैरह लगे हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये क्या है इसका मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्यों गेमिंग, ओ माय गॉड, ये हम बचपन में गेम खेला करते थे। ये चेक करें, आप टोकन वगैरह डाल के गेम वगैरह खेल सकते हैं। हम बैठ गए, हमें खेलने का पता नहीं है, तो हम इस सब की देख रहे हैं ये कर रहे क्या है, और कॉन्फिडेंस लेवल पीक से डाउन में आया हुआ है कि हम करें क्या, या मतलब ज़िंदगी में हमें टाइम नहीं मिला असल में ये स्नोकर वगैरह खेलने का, यही बात है अपना, यही बात बस, लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं नई चीज़ें सीखने की। टेबल तो सही है, खाली तो होगा, लेकिन खेलना किस तरह है हमें पहले बताए तो सही, करना क्या है वहाँ पर जा। जी जी, यानी कोई इज्जत बेइज्जती रह जाएगी, मतलब लोग ये ना समझे कि इनको खेलना नहीं आता। अच्छा चलें फिर देख लेते हैं। साउंड सिस्टम ऑन है, बहुत ही तेज आवाज है यार, दिल धक धक कर रहा है, सही बेस लगाया हुआ है, एम्प वगैरह एंजॉय करो, गाड़ी में इतना मज़ा नहीं आएगा जितना यहाँ पे बेस का मज़ा आएगा। गाओ ना गेम अपनी, चोक इसको क्या करते हैं? अच्छा ये कोई स्टिक के साथ, इसको पता नहीं, सांस वगैरह करते हैं आई थिंक, ओह माय गॉड। अच्छा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप वाइट बॉल से मारना होता है, और आगे रेड और ये दूसरे कलर्स वगैरह हैं, इनको बस अंदर करना होता है, ये जिधर से भी हो भाई शॉट कर रहे हैं। ओह भाई ओह, शॉट हो गया जी, रेड अंदर चली गई है, ये तो ईजी है, मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा इस तरह की गेम्स, ये स्नोकर वगैरह बोरिंग सी हैं, हम खेलेंगे भाई डिजिटल। आ जाओ मैदान में, यहाँ पे पड़ी हुई है ये प्ले स्टेशन है, और साथ ही ये दो ये हैं रिमोट्स वगैरह, सामने लगी है स्क्रीन, और भाई यहाँ पे ये वाली खेल लेते हैं।
किसका फ़ायदा है उसकी हमें समझ नहीं चलनी स्नूकर की। 15-1 मिनट खेलते हैं फिर चलते हैं। आई थिंक 15 मिनट के ये आपको 70 रुपीज़ लेते हैं और 30 मिनट के 150, 1 आवर के 250 और 2 आवर के 400 रुपीज़ लेते हैं, जो कि एक बेस्ट ऑप्शन है और इनकी प्राइस बहुत ही कम है।